आ जाओ। हमने उस लड़की को खुफिया रास्ता इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जिसे आपने कैद करने का हुक्म दिया था। जिंदान में डाल दिया है उसे। क्या? जहां सलजूक कैद है वहां बंद कर दिया है? तुम कौन हो बेटा? क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर खुफिया रास्ते से किसी को जाते हुए देखो तो पकड़ने से पहले मुझे जरूर बताना, बेवकूफ इंसानों। किस लिए कैद हो बताओ मुझे। क्या मैंने नहीं कहा था कि किसी को इस सलजूक के साथ जिंदान में मत डालना? इसे निकालो यहां से और मेरे हुजरे में लेकर आओ। अल्परसलान ने तुम्हें यहां मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और सुल्तान तुरुल फिदिया अदा नहीं कर रहा तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी उनकी नजर में कोई कदर नहीं है। मैं जानता हूं कि अल्परसलान और सुल्तान जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि तुम किस खसलत के इंसान हो। तुम्हें फिदिया मिल भी जाए तो भी तुम मुझे मार डालोगे। बहुत अकलमंद हो तुम हसन। बदबख्त इंसान, तुम मुझे कैसे जानते हो? जवाब दो मुझे। सुल्तान का हुक्म बजा लाना आखिर कब से गलती हो गई पापा? गलती ये कि तुम अपने भाई की जरूरत पड़ने पर मदद करने के बजाय उसके खिलाफ खड़े हो, ये गलती है तुम्हारी। असल गलती हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाले मफरूर की हिफाजत करना है, जैसा कि आपने किया बाबा। अपनी जबान को काबू में रखना सीखो। जिसे तुम मफरूर कह रहे हो वो तुम्हारा ही खूनी भाई है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि वो मां के बगैर पला पड़ा, आपने हमेशा सिर्फ उसी की हिमायत की है। मेरा वो भाई जो आज इस थप्पड़ की वजह है। सुलेमान, क्या हुआ आपको? सुलेमान, कहाँ जा रहे हैं आप? शिकार पर, खाने पर इंतजार मत करना। सुलेमान, बाबा ने जरूर आपको फिर से अल्परसलान की वजह से डांटा है। खुद से नीचे होते वालों को इसी तरह डांटते रहे, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सुलेमान के हुक्म से सरकलम किए जाएंगे।